वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल केरनी। यार तुम लोग बहुत गंदे हो यार, लिटरली बहुत गंदे। मतलब कि एक वायरस ने आते ही तुम सबको हाइजीन बना दिया। बचपन में जैसे तुम लोग उंगलियां चाट चाट के गोलगप्पे तो खाए नहीं होंगे, बंदे के नाखून में क्या कौन सी चट्टी फंसी है, गांड में हाथ डाल के तुमको खिला रहा है, उस समय तुम लोग को इस चीज के बारे में पता नहीं था। अब जब वायरस आया, तुम लोग के पास मोबाइल आ गए, सब कुछ डिटेल आ गए, जो तुम लोग को अब लग रहा है वो बंदे कितने गंदे हैं। कहीं तो आज वही बंदों को गालियां दे रहे हैं। बचपन में तुम लोग उसी के बंदे के हाथ की उंगलियों के चाटे हुए गोलगप्पे खाते थे, और आज तुमको वो बंदा बुरा भी लग गया। क्या बात, लड़कियां क्लीवेज दिखाए मेरे को से परेशानी नहीं है, पर तुम लोग बिकनी वैक्स को ऐसे कैसे दिखा सकते शॉर्ट में डाल के। अबे अनपढ़ो, जिनको नहीं पता वो लोग अपनी बीवी से पूछ के आओ, अगर शादी नहीं हुई तो रुक जाओ, बीवी से पूछ लेना, नहीं तो गूगल पे सर्च मार लो। अरे बिकनी वैक्स कौन ऐसा ओपनली दिखाता है यार। कल से हम भी लड़के लोग अपने घोटे साफ करते हुए दिखाते, कितनी सारी लाइनों के बीच बाल ढूंढ के काटना हमको पड़ा, बहुत मुश्किल। क्या तुम लोग कुछ भी दिखा रही हो, अगर कोई कुछ कह दे सीधा वुमन कार्ड खेलना शुरू, हमको हमारा हक चाहिए। अबे पर्सनल चीज को पर्सनली रहने दो। ऊपर से मैं इंस्टाग्राम के फिल्टर वाले ट्रेंड से तो बहुत खुश हूं, एटलीस्ट लड़कियों का असली चेहरा बाहर तो आया, नो फिल्टर वाला ट्रेंड, ये देख के तो बहुत दिल खुश हुआ। हमको छोड़ के ये भी नहीं नहाते, सिर्फ मेकअप लगा के अच्छा बन के आ जाती हैं ये लोग। जैसे ये लोग लड़के लोगों को बोलते हैं ना कि तुम लोग डियो लगा के शादी में कहीं भी पहुंच जाते हो, वो भी बिना नहाए। हम मेकअप से अपना रंग तो नहीं छुपाते ना असली वाला। जिंदगी ना लंड की तरह है, जब तक खड़ा है तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, और जब तक बैठा है। क्या बड़े गौर से सुन रहे हो मेरी बात को, कौन कौन से शौक पाल रखे हैं तुमने। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर से पहले हकते थे, गंदा हकते थे पर हकते थे, इस बार तो हगने का भी हद पार कर दी। ये लोग ना एक्टर लोग को बहुत फॉलो करने लगे हुए हैं, उन्होंने हगा तो ये भी हगेंगे, उन्होंने कुछ खाया तो ये भी खाएंगे, वो लोग कहीं पे घूम के आए तो वैसा घूम के आएंगे, और उन्होंने शादी की इन्होंने भी शादी कर डाली। भाई शादी ना बंदे की जिंदगी का एक बहुत ही अहम दिन हो, वो दिन को अपने तरीके से तो सेलिब्रेट कर लो। यहाँ एक्टर लोगों ने शादी की है, यहाँ पे इन्होंने भी शादी कर ली, कह रहे हैं कि हमने इनका शादी को रिक्रिएट किया है। भाई क्या रिक्रिएट किया, कल को वो लोग अगर बच्चे करेंगे तो तुम लोग को भी सेम टाइम में बच्चा करना पड़ेगा, अगर तुम लोग को इतना ही रिक्रिएट करने की आदत है। अब खुद के जिंदगी में जियो, उनकी गांड में घुसना छोड़ दो। वैसे एक्टर लोग तो है नशे में भी पकड़े गए थे, तुम लोग का नंबर कब आ रहा है। मेरा तो भाई जिंदगी का एक ही एजेंडा, जिंदगी को ना हैप्पीली जियो। प्रॉब्लम्स देने के लिए तो आपके पड़ोसी बैठे हैं आपके पास, अपने माँ बाप की सेवा करो अगर मन में आस्था हो, वरना ना करो, तुम लोग तो है ही डीट। और सब धर्मों को एक नजर से देखो, छोटा बड़ा मत करना। और सब लड़कों से मेरी एक दरख्वास्त भी है, लड़कियों के हक के लिए इतना मत लड़ना कि तुम खुद का वजूद ही भूल जाओ, खुद के लिए भी लड़ना शुरू कर दो, वरना कल को तुमको भी कोई ना कोई टैक्सी से निकाल के फ्लाइंग थप्पड़ मारेगी, जहाँ तुम्हारे जॉब खाने के लिए खुद का नाक तोड़ देगी, वरना सिग्नल पे भी खड़े होकर तुम्हारी फोटो को वायरल कर देंगे, किसने मेरे को हैरेस किया। तो चलो खैर आज के लिए इतने, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, तो शेयर करो, बाकी सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल केरनी को। बाय।